तो दोस्तों सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए यहाँ पे RRB JEE की जो है क्लास रेगुलर बेसिस पे आपका साइंस और टेक्निकल के लिए यहाँ पे चलाई जा रही है। टेक्निकल में जो है यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ग्रुप में जैसे कि आप जानते हैं कि CS IT इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारे ब्रांच जो है RRB द्वारा डिफाइन किए गए हैं। जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ग्रुप से फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। तो आप जो है शुरू से स्टार्ट कीजिए कोई भी सब्जेक्ट, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कीजिए या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कीजिए। तो अभी जो चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम में दो जो इम्पोर्टेंट आपके जो कंसेप्ट थे वो हम लोग देख चुके थे। एक तो आपका कोई भी रेडिक्स से हम लोग डेसिमल में कैसे जाएंगे, और डेसिमल टू हम लोग किसी अदर रेडिक्स में कैसे जाएंगे, ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके RRB JEE में पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको। और इसके बाद जो और इंटरमीडिएट एक्सचेंजेस बचे हुए हैं, कन्वर्जन जो बचे हुए हैं, वो इन क्वेश्चन के बाद मैं आपको कराऊंगा। ये सारे क्वेश्चन लेने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग ये जान जाएं कि जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है वो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद ही बता रहे हैं आपको कि किस पोर्शन से कहाँ से कितना पूछा जा रहा है। इसीलिए हर एक जो आपका सिलेबस बताया जाता है, चाहे केमिस्ट्री हो या फिर आपका बायोलॉजी हो या फिर आपका टेक्निकल हो, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन जो आपके RRB द्वारा पूछे गए हैं वो ज़रूर हम लोग इंक्लूड करते हैं, ताकि आप उससे जो है मतलब कि अवगत रहें कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कहीं से भी कुछ भी ना पढ़ें। जो आपका एग्जाम के लिए ज़रूरत है उतना ही पढ़ें, उससे कम और उससे ना ज़्यादा, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप उलझन में उलझ जाइएगा तो फिर जो मेन चीज़ है वो आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग का मकसद है कि टू द पॉइंट आपको बताना, और आपको बस उतना ही है पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जो क्वेश्चन आपके ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपके RRB JEE में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें देखिए दिया गया है कि आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 195.5 का क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। इसमें देखिए कहीं भी आपको जो है कोई मतलब कि यहाँ पे कि डेसिमल में है कि आपका वो क्या कहला ऑक्टल में है, ऑक्टल में तो हो नहीं सकता है क्योंकि 9 है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में होने का चांस है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हो सकता है क्योंकि 0 से वो आप तो आपका ABCD तक जाता है। तो जब आपको कोई यहाँ पे बेस या रेडिक्स डिफाइन ना किया है तो या बाई डिफॉल्ट आप इसको डेसिमल समझिएगा, ठीक है। या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि आप जो है इस जो आपका ऑप्शन दिया गया है उससे भी आप मैच कर सकते हैं, यदि आप जानते हैं किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी कि आप इसको डेसिमल में जो है समझिएगा, जब बाय डिफॉल्ट यदि नहीं दिया रहेगा तो। और दूसरा कि यदि आपको शक है तो आप इसको जो है एक बार जो है चेक कर लीजिएगा बाय ऑप्शन। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, जैसे कि ये डेसिमल में ही बाय डिफॉल्ट मानिए आप इसको, देखिए अब इसको करते कैसे हैं। एक शॉर्टकट मेथड जो मैं आपको बताया हुआ था, इसमें क्या है कि डेसिमल से हम लोग किस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो लॉन्ग मेथड आपको जिसे मालूम है कि आपका जो है सक्सेसिव डिवीजन करते हैं, और एक मेथड जो आपको इजीली इसको कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन से आप क्या कीजिए कि वैल्यू असाइन कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं यदि आप इसकी बात करें कि सबसे पहले तो आपको इस वाले पोर्शन से यानी डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन से आपको 195 मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन जो है 195 दे सकता है। तो देखिए दो ऑप्शन में आप देखिएगा तो ये दोनों आपका जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है सेम है, और ये आप दोनों देखिएगा तो लेफ्ट हैंड में सेम है। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए और एक बार इसको चेक कर लीजिए। चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसकी वैल्यू जो है आप जो होती है वो असाइन कर दीजिए, जैसे 1, 2, इसके बाद ये 4, ये 8, 16, 32। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी। तो जैसे यदि आप मान लीजिए ये 1100, ये आपका टोटल जीरो कितना है, इसमें 5 है और ये 1 है। अब इसमें क्या है आपको वैल्यू असाइन करना है। तो वैल्यू जो है आप जानते हैं कि यहाँ से हम लोग चालू करते हैं 1 से, इसके बाद जो है यहाँ पे आप 2 कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा आपका 32 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा आपका 64 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 128 हो जाएगा। अब देखिए आपको ये वैल्यू मालूम है कि 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा।
तो आपको डायरेक्ट इनको जो है मतलब कि निगलेक्ट कर देना है, इन पे वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है ये लास्ट वाले पे दो पे वैल्यू रखिए और यहाँ पे जो है स्टार्टिंग वाले पे वैल्यू रखिए, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जीरो दिया गया है। हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए बस ये लिखे हुए हैं, बाकी आपको एग्जाम में डायरेक्ट जो है इन दो वैल्यू की जो आपकी असाइन की जाएगी वैल्यू वो आप लिखिए। तो देखिए यहाँ पे 128 देखिएगा यहाँ पे और 64 और ये 1 ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जो होगा 13 हो जाएगा और ये 6 2 8 1 9 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 193 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है 195 दिया गया है। तो ये आपका आंसर ये दोनों नहीं हो सकते हैं। अब बचे ये, तो इसमें से तो आपको अब डिफाइन ये अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं लेकिन अब तो ऑप्शन से ये पता चल गया है कि भाई ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि ये यहाँ पे भी सिमिलर है और यहाँ पे भी सिमिलर है और ये हमने चेक कर लिया ये है नहीं। तो आपको क्या चेक करना है, अब डेसिमल वाली वैल्यू को चेक करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह से अपना टाइम आप जो है सेव कीजिए, जो कि आप देख रहे हैं कि ये दो वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक है और दोनों के वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे इस तरह से चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब किसमें अंतर आ रहा है उसको चेक कीजिए, जैसे यहाँ पे 0.01 है यहाँ पे 10 है, तो आप अब डायरेक्ट जो है यहाँ से चले जाइए डेसिमल वैल्यू से, आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए डेसिमल वैल्यू से आप वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 0.5 है, तो मैं आपको बताया था कि जो आपका डेसिमल वैल्यू होता है यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें हम लोग क्या करते हैं जिसमें भी जाते हैं उस रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 0.5 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। और आपके जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है हम लोग उसको पिकअप करते हैं, यहाँ ना 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 0.0 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो है पॉइंट के बाद वाला है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 0 ले लेंगे। तो जैसे ही आपको दिखाई दे दिया कि फर्स्ट वाले में हमारा 1 आ चुका है तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हम आपको जो है एक ज्यादा बता रहे हैं ताकि जो है आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट, बाकी जो है किस तरह से करना है वो भी मैं आपको साथ साथ भी बताते जा रहा हूँ। यदि आपको जो है लॉन्ग मेथड से करना है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इस वाले मेथड से कीजिएगा तो आपको इजी होगा। देखिए लॉन्ग मेथड आप जो मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि उसमें हम लोग देखे हुए थे 1 5 को हम लोग क्या करते थे सक्सेसिव डिवीजन करते थे, बाकी इसको ऊपर से नीचे से ऊपर लिखते थे और इस वाले को हम लोग जो कलेक्ट करते थे ऊपर से नीचे की तरफ कलेक्ट करते थे। तो ये तो लॉन्ग मेथड हो गया आपका, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है वो इस तरह से आप कीजिएगा तो जल्दी ही बनने की संभावना रहेगी, आप जो है अपना जो टाइम है सेव कर सकते हैं। तो किस तरह से शॉर्टकट करना है ये हम आपको बता दिए, एक दो और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी आपका आरआरबी में ही पूछा गया है, आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भी देखिए कोई बेस नहीं दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है आपको डेसिमल मानना है। तो अब देखिए यहाँ पे है 99 है, तो सबसे पहले तो आप इस वाले से देख लीजिए कि किस वाले में 99 आ रहा है, या फिर आप इस वाले से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसमें आपको वेरिएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको जो है यहाँ से देखिएगा तो या तो आप ये दो चेक कीजिए या फिर आप ये दो चेक कीजिए, लेकिन नहीं यहाँ पे भी वेरिएशन है, तो आपको देखिए दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप इधर वाले से ही चेक कर लीजिए, इसमें भी आपको जो है कितने बार चेक करना पड़ेगा, एक तो ये दो सेट के लिए चेक करना पड़ेगा और एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो देखिए उस वाले में हम आपको जो है पहले इसके लिए चेक करके दिखाए हुए थे, अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है इस वाले से हम इस डेसिमल पार्ट को चेक करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाएगा, ताकि दो बचेगा तो दो में से आप ऑप्शन छांट सकते हैं इजिली। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जैसे 0.5 है, तो आप जानते हैं कि डेसिमल्स के जो बाद वाले होते हैं उनसे हम क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी रेडियस में जाते हैं, तो यहाँ पे 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यहाँ पे जो है डेसिमल लगेगा यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 में देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पे जो है 0 है, आगे भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे जो है ले सकते हैं 50 × 10 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा ये 100 आ जाएगा और 2 अंक के बाद ये लगाइएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये करने से फायदा हमको ये हुआ कि डायरेक्ट हमको आंसर यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपना टाइम जो है सेव कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जैसे ही हमको यहाँ पे 0 मिल गया, सपोज यदि 0 नहीं मिलता तो फिर हम आगे जो है चेक करते हैं,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको जीरो मिल गया, तो आंसर हम मार के यहीं से चले जाएंगे क्योंकि और किसी में जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। तो किस तरह से आपको टाइम सेव करना है, आप जो है इसको अच्छी तरह से समझिए। ये कब होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि कब किस में किस तरह से हमको अप्लाई करेंगे कि हमारा टाइम जो है सेव हो जाएगा। बाकी जो है आप जो लॉन्ग मेथड है उससे किस तरह से करते हैं वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जब आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना होता है तो क्या किया जाता है। तो आप जो है यहाँ पे जो है डेसिमल कर लीजिए, तो डेसिमल से जो है बाइनरी में जाया जाता है तो क्या किया जाता है वो हम आपको बता दिए हैं वीडियो में। अभी जो लोग भी नए हैं वो वीडियो जरूर देखें। ये लॉन्ग मेथड है, कंसेप्ट मेथड, मतलब इसमें जो है कंसेप्ट आपका जो है बताया गया है कि किस तरह से किया जाता है। बाकी जो है आपको शॉर्टकट मेथड से किस तरह से करना है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी आपका आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए आरआरबी जेई का ही क्वेश्चन है आपका, तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो इसमें भी आप देखिए अप्रोच यूज कर सकते हैं जो हमें आपको शॉर्टकट का अप्रोच बताया था। देखिए एक बार जो है इस वाले में भी जो है आपको मिनिमम दो बार तो चेक करना पड़ेगा। एक बार ये दोनों सेट के लिए एक बार कीजिएगा तो हो जाएगा, और एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए आपको मतलब तीन बार चेक करना पड़ेगा। इजी होगा कि आप पॉइंट वाला ले लीजिए, जैसे कि 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप 10 को फिर से कीजिएगा 2 से तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका जो आएगा 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जानते हैं कि आप क्या करते हैं ऊपर से कलेक्ट करते हैं इसको जो मल्टीपल पार्ट वाला होता है, तो यहाँ पे तो 0 है तो ये हो नहीं सकता। अब ये तीनों बचा, लेकिन उसमें से भी आपको देखिए जब दूसरे पोजीशन पे आए तो आपको मालूम चल गया कि आपको केवल ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन आएगा आपका 10 वाला आएगा, और 10 जो है एक ही में है तो आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन दिया जाता है वो टाइम के अनुसार जो है सही रहता है, लेकिन लोग फंस जाते हैं मतलब पूरा मतलब करने के चक्कर में कि हम मतलब बेसिक मेथड से करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा, वो क्या कहते हैं ऑप्शन से नहीं जा पाते हैं, वो दिक्कत यही होता है कि उनका क्वेश्चन जो है छूट जाता है। तो आप जो है इस तरह से जो है अप्रोच कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाय ऑप्शन, तो आपको जो है इजीली हर एक क्वेश्चन बनने लगेंगे और आपका जो स्पीड होगा वो भी जो है बढ़ जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन अभी तक आरआरबी जे में अभी जो मैं पीछे पढ़ाया था उस टॉपिक से जो रिलेटेड था वो मैं आपको बता दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अदर जो कन्वर्जन होते हैं, जैसे आपका ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में जाना हो या फिर हेक्साडेसिमल से आपका ऑक्टल नंबर जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी यदि आपको जाना होगा तो आप किस तरह से जाइएगा। तो देखिए ऑक्टल में सपोज एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं कि आपको जो है 507 ये ऑक्टल में दिया गया है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि इससे जो है आप किस में जाइए बाइनरी में जाइए। तो आप जो है याद रखिएगा कि हर एक इंडिविजुअल जो भी इसमें ऑक्टल नंबर है, यानी कि जैसे 7 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं कि बाइनरी के फॉर्म में लिखते हैं तीन तीन बिट में, और जो कोड यूज करते हैं वो वाला कोड आपका जो है 1248 के हिसाब से हम लोग क्या इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं हम लोग कि ये 7 लिखना है तो आप जानते हैं कि 111 हो जाएगा यदि तीन बिट में लिखा जाए इसको, तो ठीक है। इसी तरह 0 को यदि लिखा जाए तीन बिट में तो ये क्या हो जाएगा आपका 000 हो जाएगा, और 5 को तीन बिट में लिखा जाए तो 101 होगा, यानी इसी वाले मेथड से हम लोग इसको लिखते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट। तो किसी भी ऑक्टल नंबर का हम लोग इंडिविजुअल क्या करते हैं कि उसका जो है तीन तीन बिट में जो है हम लोग क्या करते हैं उसका बाइनरी फॉर्मेट लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब ऑक्टल से बाइनरी जा रहे हैं तो 3 बिट का पेयर कर रहे हैं, 3 बिट का क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेयर कर रहे हैं हर एक इंडिविजुअल जो आपका दिया गया ऑक्टल नंबर होगा उसके लिए। तो हर एक इंडिविजुअल ऑक्टल नंबर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं 3 बिट का पेयर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट आंसर 101000 और 111, तो ये इसका क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो आप जो है इस पे ध्यान दीजिएगा कि हर एक ऑक्टल नंबर को आपको 3 बिट का पेयर में लिखना है, और जो आप पहले से जो रूल ये जान रहे हैं उसी के अनुसार जो है ये आपको लिखना है। इसी तरह आप जो है आगे देखिए यहाँ पे, तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका बाइनरी हो जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं ताकि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे ले रहे हैं आपका 365, ठीक है, ये आपका किस में है ऑक्टल नंबर में है, आपको जो है बाइनरी में जाना है।
ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका हर एक इंडिविजुअल जो भी ऑक्टल नंबर दिया गया है, जैसे कि 5 दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आपका तीन तीन बिट में हम लोग लिख लेंगे, जैसे 101 हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए लिखेंगे तो 110 हो जाएगा, और इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से लिख रहे हैं वो चीज़ हम आपको बता दिए हैं, 1248 के थ्रू ही लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आप जानते हैं पहले से भी, यदि दिक्कत होगा तो फिर से मैं बता दूंगा आपको, उम्मीद करता हूँ आपको जो है आ रहा होगा। तो आप जो है 01 1110 101, ये इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। तो ये हम लोग सीखे कि ऑक्टल से बाइनरी में किस तरह से जाते हैं। यदि ये वाला क्वेश्चन रहता है कि आपको बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से जाया जाए, तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए, यदि मान लेते हैं आपको जो है बाइनरी में दिया गया है और आपको जो है ऑक्टल में जाना है, ठीक है, तो बाइनरी टू ऑक्टल जस्ट अपोजिट, ठीक है, तो इसमें जस्ट अपोजिट ऑपरेशन भी किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपका 101 101 101, इस तरह से ये हम कोई एक बाइनरी नंबर ले लिए हैं, और इसका ऑक्टल क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आप जो है तीन तीन बीट का जो है पेयर बनाइए, जैसे यहाँ पे ही आप बना रहे हैं, ये आपका पेयर बनाइए तीन तीन बीट का, ठीक है। तो ये आप इसका जो है आप क्या लिख लीजिए, इक्वेलेंट लिख लीजिए 1 4 8 के हिसाब से, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी जो होगा 6 हो जाएगा। तो इसका जो ऑक्टल नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 665 हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, बहुत ईजी होता है इसको लिखना। और आप तो देखिए यहाँ पे जो है आप लिख लिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम आपको यहाँ पे बताने के लिए। सपोज कि बाइनरी में कोई दिया गया है और आपको जो है ऑक्टल में जाना है, वहाँ पे क्या है कि आपका पेयर यदि नहीं बन पा रहा है, वैसा हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपका ये 110 101 01, ये आपका 3 3 6 2 8, हाँ देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या होगा कि ये बाइनरी में दिया गया है, आपको जाना किस में है, ऑक्टल में। यहाँ पे देखिए जब आप पेयर बनाइएगा, ठीक है, जब ये पेयर बनाइएगा तो यहाँ पे आपका जो है पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब कि कुछ नहीं है। तो जहाँ पे भी यदि नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आप अपने से क्या कीजिएगा, आप 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यदि मान लेते हैं एक ही रहता तो वहाँ पे 2 0 लगाते, क्योंकि यहाँ पे 3 का बनाना है, 2 पहले से है, 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए, और इसके बाद जो है इसका जो है आप यहाँ पे जो आपका जो नंबर होगा 1 2 4 के हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ऑक्टल नंबर, या सॉरी यहाँ पे 6 नहीं 3 हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 2 5, इसका ये ऑक्टल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लिए कि ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल हम लोग किस तरह से लिखते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट जो होगा आपका हेक्साडेसिमल टू आपका बाइनरी किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे कि ये आपका हेक्साडेसिमल में होगा, और हेक्साडेसिमल से हम लोग जाएंगे वो बाइनरी में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग ऑक्टल नंबर में देखे हुए थे, तो जो पेयर बनाते थे वो 3 3 बिट का बनाते थे, इसमें जो बनाएंगे हम लोग 4 बिट का पेयर बनाते हैं। कितने का बनाते हैं, 4 बिट का पेयर बनाते हैं इसमें। तो जो सपोज कि कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, 3ADB, ये आपका हेक्साडेसिमल में है, और इससे हमको जाना है बाइनरी में। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप हेक्साडेसिमल से यदि बाइनरी में जाते हैं तो क्या करते हैं कि 4 4 बिट का जो है पेयर बनाते हैं इंडिविजुअल एक एक। जैसे कि यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू जो है आप जानते हैं कितना होता है, 11 होता है, और इसका जो हेक्साडेसिमल में आप पेयर बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए आपका ये हो जाएगा 8, ठीक है, इसके बाद ये 0 और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, तो 8 और इधर से ये 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके लिए यदि बनाइएगा तो डी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 14 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 14 को आप किस तरह से लिखिएगा, तो 14 को जैसे कि यहाँ पे, तो इसको किस तरह से लिखिएगा, तो देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू 14 नहीं 13 होती है, तो यहाँ पे ये आप इसको सही कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 13 होती है। तो आपको जो है 13 को लिखना होगा तो किस तरह से लिखिएगा, तो देखिए 8 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद जो है आप इस वाले को लिख सकते हैं 80, यहाँ से तो हो नहीं सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा और 1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो 8 4 12 और 12 और 1 यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो ये D की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह यदि हम A की बात करते हैं यहाँ पे, तो A की वैल्यू जैसे जानते हैं आप 10 होता है, और 10 को जो है लिखना होगा तो आप किस तरह लिखिएगा, तो 8 ये हो जाएगा आपका,
ये जीरो और यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो, तो आठ और दो दस हो जाएगा। इसी तरह इस तीन की बात किया जाए तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, आप दो और एक ये तीन और ये जीरो जीरो यहाँ पे बैठा सकते हैं ताकि चार बिट में ये हो जाए। तो आप देखिए हर एक इंडिविजुअल जो हेक्साडेसिमल दिए गए थे नंबर, उसको हम लोग क्या किए कि चार चार बिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे अरेंज करके लिख लेंगे, तो जीरो जीरो वन वन, इसके बाद आपका वन जीरो वन जीरो, इसके बाद वन वन जीरो वन और वन जीरो वन वन, ये इसका क्या हो जाएगा आपका बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, चार चार बिट में सबको लिख लिए हैं। अब देखिए यहीं पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपका जस्ट अपोजिट होता, जैसे कि आपको जो है बाइनरी से यदि हेक्साडेसिमल में जाना होता तो आप जो है चार चार का पेयर कर लेते, यहाँ से पेयर करना स्टार्ट करते आप। ठीक है, तो यहाँ मैं इसी में बता दे रहा हूँ आपको, तो यहाँ से आप पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो है इसका जो वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा, और ये आपका डी हो जाएगा, और ये आपका ए हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो आप जो है बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल में भी जा सकते हैं, जिस तरह से प्रीवियस में आपको बताया था यहाँ पे भी सेम रूल होता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि वहाँ पे जो है पेयर बनाया जाता है 3 बिट का पेयर बनाया जाता है, और यहाँ पे जो पेयर बनाया जाता है हेक्साडेसिमल में वो आपका 4 बिट का बनाया जाता है। चाहे आपको जो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाना हो या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जाना है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मैं दोनों एक ही में आपको बता दिया ताकि आपको ऑक्टल नंबर में जिस तरह से बताया था आपको क्लियर होगा, उसी कंसेप्ट पे ये भी है। अब देखिए एक जो आता है आपका डेसिमल वाला यानी रेडिक्स पॉइंट वाला, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह से उसको किया जाता है। ऑक्टल में वो नहीं बताया था मैं आपको, यहाँ पे जो है आपको मैं ऑक्टल यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ऑक्टल वाला भी और हेक्साडेसिमल वाला भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल वाला देख लेते हैं और इसके बाद ऑक्टल वाला हम लोग देख लेंगे। सपोज कि आपका 3A यहाँ पे दिया गया है और पॉइंट जो है यहाँ पे 5-4 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको ये जो दिया गया है हेक्साडेसिमल में दिया गया है और बोला जा रहा है आपको जो है बाइनरी में जाने के लिए। तो आप जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को हम लोग चार चार बिट में लिखते हैं, तो सबसे पहले जो है आप क्या कीजिए कि आपका यहाँ पे भी वही वाला रूल लगाइए। यहाँ पे जो है आपका रेडिक्स पॉइंट हो गया, ये लेफ्ट पार्ट और ये आपका राइट पार्ट, तो इसको जो है आप जानते हैं इसका 10 होगा, तो 10 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे लिख ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ये 0 और ये 1, तो ये आपका 2 यानी कि 10 हो जाएगा ये आपका। इसके बाद 3 का लिखिएगा तो ये आपका 1100 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखने का तरीका जो होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डेसिमल के जस्ट बाद से स्टार्ट करते हैं यानी कि 5 से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 के लिए लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका 101 हो जाएगा और एक जो है यहाँ पे जो है आप 0 बैठा दीजिएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं 4 का, तो ये क्या हो जाएगा 100 और यहाँ पे जो है आप 0 लगा लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा। तो आप अब जो है इसको जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो अरेंज करके लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 0011, इसके बाद ये 1010 0101 और आपका 0100। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगा था आप इसको जो है देख लीजिएगा, तो ये 4 और ये 4 यानी कि यहाँ पे आपको जो है पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद वाला हो गया और ये पॉइंट के पहले वाला हो गया। तो इस तरह से आप इसका जो है बाइनरी लिख सकते हैं और इसका अपोजिट भी आप जा सकते हैं, बस आप पेयर बनाकर आप कर लीजिएगा तो इजिली जो है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह ऑक्टल में भी क्या करना है आपको, मतलब 3 का पेयर करना है, जैसे यहाँ पे 4 का किए हुए हैं तो उस वाले में क्या है 3 का करना है, वो भी बहुत ईजी है। तो इस तरह से आपको जो है ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। एक जो बचता है वो भी मैं सोचता हूँ यहीं पे ख़त्म कर दूँ, ताकि जो है ये आपका जो भी कन्वर्जन सीरीज है नंबर सिस्टम का वो यहाँ पे आज ख़त्म हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर। ठीक है, ये आपका लास्ट होगा कन्वर्जन का। तो प्रीवियस अभी हम लोग देखे हुए थे किस तरह से ऑक्टल टू बाइनरी जाते हैं और जो कन्वर्जन था, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दिया गया हो, यदि उससे हमको जाना हो आपका बाइनरी में, तो हम लोग किस तरह से जाएंगे। तो सबसे बाइनरी यानी कि आपको ऑक्टल में जाना है, तो ये यानी ऑक्टल में किस तरह से जाएंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने का इजी तरीका ये होता है कि आप जो है हेक्साडेसिमल से सबसे पहले बाइनरी में जाइए और बाइनरी से फिर जो है आप ऑक्टल नंबर में जाइए। ये इजी तरीका होता है जाने का। सपोज कि कोई एक नंबर हम ले रहे हैं 87A। ठीक है, ये आपका जो है हेक्साडेसिमल में है। सबसे पहले आप किस में चले जाइए, बाइनरी में चले जाइए। तो बाइनरी में जब जाइएगा तो ये आपका 10 है। ठीक है, ए जो है आपका 10 है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8010।
तो ये आपका जो होगा 10 हो जाएगा। 7 का यदि लिखना होगा तो 110 लिख सकते हैं, और 8 का लिखना होगा तो 100 लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपको बाइनरी मिल जाएगा 100011 और ये 1010, ये आपका मिल गया बाइनरी नंबर। अब देखिए बाइनरी से ऑक्टल में किस तरह से जाना जाया जाता है आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तीन तीन का हम लोग बीट बनाते हैं, तो आप क्या कीजिए तीन तीन का बीट बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप ये तीन तीन का बीट बन गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आपका जो है फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसके लिए ये वाली जो वैल्यू है उसके लिए जो ऑक्टल नंबर आएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वही चीज़ है 4172, ये आपका उसके लिए ऑक्टल नंबर हो जाएगा। देखिए ये जो होता है कन्वर्जन, तो ये मतलब कि कहीं कहीं ज़्यादा बार पूछा गया है आपका जो IS बिट में भी है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हेक्साडेसिमल से यदि आपको ऑक्टल में जाना है तो सबसे पहले आप बाइनरी में चले जाइए और बाइनरी से जो है ऑक्टल नंबर में जाइए, ये आपका इजी मेथड होगा। और भी मेथड है लेकिन मतलब वो आपको क्या होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और इसी तरह से यदि मान लेते हैं आपको जाना है ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में जाना है, तो जस्ट आप जो है रिवर्स प्रोसेस अपना दीजिएगा। सबसे पहले ऑक्टल में चले जाइएगा, ठीक है, मतलब यहाँ से जो है ऑक्टल से बाइनरी में चले जाइएगा और बाइनरी से फिर जो है आप हेक्साडेसिमल में चले जाइएगा, यानी कि रिवर्स प्रोसेस जो है अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो टोटल जो कन्वर्जन सिस्टम था नंबर सिस्टम में वो मैं यहाँ पे आपको जो है बता दिया हूँ, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है यहाँ पे करा दिया। और भी क्वेश्चन जो मिलते हैं हमको तो वो मैं आपको कराऊंगा, जो भी नंबर कन्वर्जन से होगा। जो हमारे नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो आपकी जो होगी कम्प्लीमेंट का, जो भी कम्प्लीमेंट जो है नंबर सिस्टम में बनते हैं, और इसके बाद कोडिंग पे होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख लीजिए जो कि आप ट्राई कीजिएगा, आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। सपोज कि आपको जो है ऑक्टल में कोई नंबर दिया गया है 432, ये आपका ऑक्टल में है और आपको जो है जाना है हेक्साडेसिमल में, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइएगा। इसके बाद यहाँ पे आप कोई एक और एग्जांपल ले लीजिए 3526, ये ऑक्टल में है और आपको जो है हेक्साडेसिमल में जाना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसके अपोजिट भी आप ले सकते हैं, जैसे ADEB है यहाँ पे, ये आपका जो दिया गया हेक्साडेसिमल में है, ऑक्टल में जाइएगा तो इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छी तरह से कन्वर्जन सिस्टम को समझ गए होंगे, और आप जो है जहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिलता है कन्वर्जन सिस्टम से आप ज़रूर उसको करें। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर आप जो है ग्रुप में जो है भेज सकते हैं उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में यदि लगेगा कि डिफिकल्टी लेवल है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा या फिर डायरेक्ट यहीं पर बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।